वर्ष 2014 માં નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જંગી જીત મેળવી હતી અને 26 મે ના રોજ પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રથમ વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા। 26 મે 2023 ના રોજ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સરકારના કાર્યકાળના 9 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે। આ 9 વર્ષમાં પીએમ મોદીએ ઘણા એવા નિર્ણયો લીધા જેણે દેશ અને દુનિયાના લોકોને ન માત્ર આશ્ચર્યચકિત કર્યા પરંતુ વિશ્વમાં न्यू इंडिया नो चित्र पण रजू कर्यु। पीएम मोदी ना कार्यकाळ मा लोकोना स्वच्छ भारत अभियान हेठळ गामडाओ अने शहरो मा 12 करोड़ शौचालय बनावामा आव्या। मोदी सरकार नी जनधन योजना हेठळ देशभर मा 48.93 करोड़ लोकोए तेमना बैंक खाता खोलाव्या। आ एकाउंट जीरो बेलेंस थी शुरू थाय छे। पीएम मोदी नी मुद्रा योजना मा लोकोने कोई पण गेरंटी विना सस्ती लोन आपवामा आवी। आ योजना हेठळ अत्यार सुधी मा 40.82 करोड़ लोगों ने 23.2 लाख करोड़ रुपया की लोन आपवामां आवी छे। पीएम आवास योजना हेठळ पात्र लाभार्थीओ माटे 3.45 करोड़ मकानों बनावामां आव्या हता। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना हेठळ 9.59 करोड़ परिवारों पासे एलपीजी कनेक्शन पहुंचा। केन्द्र सरकार की जन आरोग्य योजना हेठळ 4.44 करोड़ लोगों की सारवार करवामां आवी हती। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना हेठळ देशभरना 12 करोड़ खेडूतों ने दर वर्षे 6000 रुपयानी सहाय आपवामां आवे छे। मोदी सरकार नी हर घर जल योजना हेठळ अत्यार सुधीमां 11.66 करोड़ परिवारों ने पीवानुं शुद्ध पाणी पूरू पाडवामां आव्युं छे। तो साथे ज कोरोना रोगचाळा दरमियान शुरू थयेला कोविड रसीकरणमां अत्यार सुधीमां 220.67 करोड़ रसीना डोज आपवामां आव्या छे। मोदी सरकारना मोटा निर्णयों नी वात करिए तो 2014 मा लीधेल स्वच्छता अभियान नो निर्णय, 2015 मा पीएम आवास योजना शुरू करवानो निर्णय, 2016 मा लेवामा आवेल नोटबंदी नो निर्णय, 2017 मा जीएसटी, 2018 मा आयुष्मान भारत योजना, 2019 मा जम्मू काश्मीर माथी कलम 370 नी नाबूदी, 2020 मा अयोध्या राम मंदिर निर्माण नो निर्णय, 2021 માં દેશના જ વેક્સિન તૈયાર કરવાનો નિર્ણય અને 2022 માં 5G સેવાઓ શરૂ કરવા અંગેના નિર્ણયોનો સમાવેશ થાય છે, જે તમામ મોટા નિર્ણયો હતા અને તે તમામ ખૂબ જ સફળ સાબિત થયા છે।